మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ దోస్తో. కొంచెం టెక్నికల్ ఫాల్ట్ కే వజహసే హమ్ వీడియో కి కంటిన్యూటీ నహీ కర్ పాయే, లేకిన్ అబ్ వీడియో ఆప్కి కంటిన్యూటీ అప్లోడ్ హోగి, ఆప్ దేఖనా స్టార్ట్ కరియేగా. हम इसके पहले के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, उसमें जो है मैं उस वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का नाम ले लिया हूँ, जो प्रॉपर नहीं है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, उसके लिए सॉरी. इस उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट जो शेष रह गया है उसको आज हम कवर करेंगे. फिर इसके बाद हम कलर कोडिंग आपको बताएंगे, रेसिस्टेंस का कलर कोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीरीज बल्ब पैरेलल में बल्ब कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, और कब करंट कब जो है बल्ब फ्यूज हो जाता है, कब कैसे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए. आप हमारे वीडियो की कंटिन्यूटी बनाए रखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे, बशर्ते आप हमारा साथ देंगे. तब हम शुरू करते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में जो टॉपिक हमारा शेष रह गया था आज हम उसको कवर करेंगे. यहाँ पे देखिए कि एक प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम हैज बीन गिवन बिफोर यू. आप ये समझेंगे कि इस प्रॉब्लम में व्हीट स्टोन ब्रिज हम लागू करेंगे. व्हीट स्टोन ब्रिज का हम एक वीडियो सीरीज में, इस सीरीज में हम व्हीट स्टोन ब्रिज पर भी वीडियो बनाने वाले हैं. तो यहाँ देखिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है व्हीट स्टोन ब्रिज में. ये चाहिए दोनों रेशियो, अच्छा ये दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, तभी आप व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज कर सकते हैं. वास्तव में हमें यहाँ करना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आई मीन टू से दैट यू हैव टू डिटरमाइन द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट. जो सर्किट गिवन है इसका इनपुट रेसिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, नॉट ए व्हीट स्टोन ब्रिज. बिकॉज ये दोनों जो रेशियो हैं वो इक्वल नहीं है. तो यहाँ आप देखिए कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे देखिए, जब ये रेशियो इक्वल ना हो, जैसे 2:2:1 आ गया, 2:4 1:2 आ गया, दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो ऐसे केसेस में हम डेल्टा को तो स्टार में, स्टार और डेल्टा में, या अपने आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, डन करते हैं. यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में. देखिए इसको हम स्टार में चेंज कर दिया. जब हम स्टार में चेंज करेंगे, जब डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं और सेम वैल्यू दी रहती है, तो जब डेल्टा को स्टार में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका 3 times हो जाता है, ये हमने बताया था. तो 3 times होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा. यानी कि जो ऊपर टोटल डेल्टा था अब वो स्टार में कन्वर्ट हो गया है, मतलब वो अपना रूप अपना फॉर्म चेंज कर चुका है. इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे. क्या कर देंगे इसको, यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, हो गए कि नहीं हो गए. अरे भाई यहाँ जो करंट फ्लो करवाए, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, यानी कि दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए ए एंड बी. अब यू कैन फाइंड इजीली इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट. अब इनके बीच में इनपुट रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना था, आप इजीली यू कैन फाइंड, यू कैन डिटरमाइन. ये दोनों रेसिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे. जब पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट अगर हम निकालना हो तो 8 × 10/8+10 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 18/ इसको आप देखेंगे तो कितना आएगा, 4.44, कितना आएगा, 4.44 ओम. ये कैसे हम निकाले हैं, इसी फार्मूले से, 1/r वाले फार्मूले से ही, 1 8 10, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा. तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, दोनों पैरेलल में हो गए. यहाँ एक बार और देखिए, तो ये आपका 6 हो गया, आए दोनों पैरेलल में निकाले तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4.44. तो अब हमको ए और बी के बीच जो है इनपुट रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो आर ए बी इक्वल टू कितना होगा, 6.44, यानी कि 10.44 ओम. आप इजीली इसको क्या कर ले, फाइंड कर ले, ठीक है ना. इस प्रकार स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज इस तरह से भी करते हैं. जब हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज,
का रूल फॉलो नहीं कर रहा है सर्किट, तो इसका मतलब हम इसको स्टार या डेल्टा में आसानी से कन्वर्ट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको नोट करिए, हम इस पर क्वेश्चन देते हैं आपको लगाने के लिए। लगाने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा, अगर नहीं आएगा तब भी डालिएगा, हम इसको फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड डाउन। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो भी बताइएगा, नहीं कर पाइएगा तो भी बताइएगा, ठीक है ना। आपका इनपुट रेसिस्टेंस, यू हैव टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यू कैन से दैट यू हैव टू डिटरमाइन द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दिस सर्किट वी हैव टू डिटरमाइन द इक्वल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यू कैन से। यहाँ ए और बी के अक्रॉस हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पे आपने कुंजी लगा दिया, यहाँ आपने सप्लाई कर दिया, ठीक है, ये थोड़े समय के लिए मान लीजिए। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी, चूँकि ये तीनों इक्वल रेसिस्टेंस हैं, ड्यू टू इक्वल रेसिस्टेंस या इक्वल करंट कैरी करेंगे, या चूँकि बराबर रेसिस्टेंस है इसलिए इक्वल करंट, जो भी करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। जब इस करंट और रेसिस्टेंस का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब दोनों करंट और रेसिस्टेंस का गुणा करेंगे, तो जो मिलेगा वो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वही यहाँ हम ले लेंगे, वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस है, तीनों 10 ओम का रेसिस्टेंस है, दोनों सब में 2-2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 20/10 × 10^20। तो इस तरह से तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, यानी कि तीनों का ये जो तीनों पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, होगा ना। इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ करना नहीं, हमने समझाने के लिए आपको बस बताया था। तो आपने क्या देखा कि तीनों में इक्वल करंट फ्लो होने से ये तीनों इक्वल रेसिस्टेंस पे रहेंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो है एक वायर से हम ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे, मतलब ये पॉइंट तीनों क्या है यहाँ पे साल्ट है, ये ए है और ये क्या है बी है, ये आर 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 आर, ठीक है ना। हमको ए और बी के बीच इक्वल रेसिस्टेंस क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि तीनों रेसिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्ट हैं। तो हम यहाँ इनको ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है, ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल कनेक्ट हैं। तो यहाँ जो है हम इनको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, देखिए ये तीनों एक क्रॉस कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट पॉइंट, हम इन तीनों जब शॉर्ट सर्किट पॉइंट ही हैं तो हम इनको एक पॉइंट के रूप में लिख ले रहे हैं, और यहाँ ये तीनों पैरेलली कनेक्ट हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो R/3, यहाँ पे आपका कितना होगा, R होगा, सॉरी। तो ये आपका ये है, ये आपका क्या है, बी। अब यहाँ पे आप इजीली इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जब ये तीनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो हम इसमें कोई एक पॉइंट ले लें और उसी पॉइंट से हम तीनों को कनेक्ट कर दें, बात एक ही हुई। ये तीनों जो है एक ही पॉइंट से कनेक्ट, एक ही वायर से कनेक्ट हैं, तो हम इन तीनों को इस पूरे लंबे वायर में कुछ एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें,
तो बात एक ही हुई। मान लीजिए हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, तीनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर आप निकालें टोटल, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इजली यू कैन राइट 3/R, देन वैल्यू ऑफ RT इज इक्वल टू R/3, देन यू कैन राइट R/3 इजली हियर, देन सिमिलरली R/3 यू कैन राइट हियर इजली, देन यू कैन फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B? दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, देन R/3 प्लस R/3 यू कैन राइट इजली, देन 2R/3 दिस विल बी आंसर। हमने क्या बताया आपको कि इसको हमें A और B के बीच इक्वल रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना था। हमने देखा तीनों में सेम करंट फ्लो, यानी कि तीनों का वोल्टेज सेम है, ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो हमने क्या देखा कि जब इन तीनों को एक ही वायर से कनेक्ट करना है, तो हम क्यों नहीं इन तीनों को इस वायर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो इन तीनों के एक वायर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसी प्रकार हमने क्यों करें, इन तीनों को भी हम इसके एक वायर से ही कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो फिर हमने क्या देखा कि ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, तीनों पैरेलल हो गए, इनका इक्विवेलेंट जब हमने निकाला तो R/3 मिला, तो R/3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 2R/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कह सकते हैं यह 2R/3 एक फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ R की वैल्यू क्या सब 8 दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सब वैल्यू 8 अगर आपको दे दिया जाए, तो यहाँ पे इजीली R के जगह पे 8 पुट करके यहाँ टोटल रेसिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। बिना सॉल्व किए आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर इजीली गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन UPRB में पूछा गया था 2012 में शायद, तो इसीलिए मैं ज़रूरत समझा हूँ कि इसको आपको हम बता दें। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसको इसी बेस पे ही लगा करके कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो देखिए अब जो है ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अब मैं फार्मूला यूज़ नहीं करना है आपको, जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है उस स्टेप का प्रयोग करके आप ए और बी के बीच कोवेल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम हैज बीन गिवन फॉर सॉल्विंग बाय यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे ए और बी के बीच इक्वल रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। देयर इज नो एनी रेसिस्टेंस, इस पॉइंट पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। ए और बी के बीच यहाँ आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, UPSC का क्वेश्चन है ये, वो 0.5 ओम, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ये फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये ब्रांच क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। इसलिए ये ब्रांच ख़त्म हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये बीच में बड़ा तो बीच में पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये जो सर्किट इक्विवेलेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका 1 तो दिया ही है, यहाँ पर भी आपका कितना होगा, 2 होगा, और ये आपका ये होगा, ये आपका बी होगा। अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के बीच इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो होगा कलर कोडिंग, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना भी कहें कम है। आप जो है कलर कोडिंग को आप ज़रूर देखिएगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है, थैंक यू।